खबर जबलपुर से है, जहां तिलवारा थाना अंतर्गत एक सब्जी वाले से मारपीट कर जेवर सहित 15,000 की लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्हैया लाल कुकरेजा जो सब्जी व दोना बनाने का काम करता है, बताया जाता है कि कन्हैया लाल पर 3 लोगों ने रॉड से हमला कर पत्थर से सर पर प्रहार कर दिया था और फिर फिरौती के लिए घर से 15,000 की मांग भी की थी। तो वहीं घायल अवस्था में पीड़ित मेडिकल अस्पताल पहुंचा, साथ ही पुलिस को जानकारी भी दी। तो वहीं आज तीनों आरोपी छोटू, बसंत व कृष्णा के पास से 13,280 रुपए व चांदी के जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं और तीनों आरोपियों के ऊपर लूट का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तिलवारा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड लूट, एक अंधे जो लूट की वारदात थी जिसमें कि आरोपी अज्ञात थे, उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा जो कि जिस सब्जी बेचने एवं दोनों बनाने का काम करते थे, वो शनिवार को नियमित रूप से शनि मंदिर के दर्शन करने जाते थे। तो जब वहाँ से वापस घर जा रहे थे तो तभी 3 लोगों ने उनको रोका, उनके साथ मारपीट की व उनसे कुछ चांदी के जेवरात वो ले गए। फिर उन्होंने फ़ोन करके उनके घर से कुछ 15,000 रुपये भी जो है मंगवाए। जो फरियादी थे वो उनमें से एक आरोपी का उपनाम जानते थे, छोटू छोटू करके, जो तथाकथित रूप से उनसे करीबन 8-9 महीने पहले काम के सिलसिले में उनसे उनकी मुलाकात थी। कुल मिलाकर के ये इतना ही सुराग पुलिस के पास था, लेकिन अच्छी कार्रवाई करते हुए जो तीनों जो आरोपी हैं जो घटना में संलिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनसे 13,280 रुपये चांदी के जेवरात, जिसमें एक ब्रेसलेट, 2 चेन और 3 अंगूठी है, ये मशरूका जो है आरोपियों से मिल गया है। इसमें मुख्य आरोपी जो छोटू उर्फ शुभम उर्फ धनराज बेन है, इनके पहले भी थाना गढ़ा एवं मदन महल में 5 संपत्ति संबंधी अपराध हैं और जो 30 आरोपी कृष्णा झारिया, इनके भी कुछ अपराधों का होना पाया गया है। इस अच्छी कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सतीश पटेल, CSP रवि चौहान और एडिशनल SP सुरेश बघेल, इन सब ने और इनकी टीम को बधाई देता हूँ। वह इनका जो थाना स्टाफ है जिसने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा।